तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इस ट्रांसमीटर के प्रॉब्लम्स के बारे में। आज की वीडियो में पूरे तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जो कि एक बिगनर के साथ होता है। जो कि इसका पहला प्रॉब्लम है उसकी बैटरी, कई सारी उसको बैटरीज जानना पड़ता है। एक मिनट आपको बैटरीज का स्लॉट बता देता हूँ। ये देखो इधर है, इधर करीबन 8 आपको बैटरी जानना पड़ता है। अब तो ये टेप से पूरा सील हो गया है, फिर भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें 8 बैटरीज जानना है। 8 बैटरीज जानने के बाद ये ट्रांसमीटर वर्क करेगा, नहीं तो जब तक वर्क इसमें नहीं करेगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इधर नीचे डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इधर एक छोटा सा डिस्प्ले देना था फ्लाइस्काई वालों ने, लेकिन ये इधर डिस्प्ले नहीं देते हैं लोग। ये लोग एक लैपटॉप का केबल देते हैं और एक कैसेट देते हैं, उससे अपन इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। जब कहीं ये प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा प्रॉब्लम है, जब भी इसके जो अपन शेल्स लगाते हैं ना, मतलब रिमोट के शेल्स लगाते, देखो रिमोट के शेल्स लगाने से अपन का जो इधर TX है, RX का, ये TX बोलते हैं और रिसीवर को RX बोलते हैं, इसका जो सिग्नल रहता है वो टूट जाता है कभी कभी। कब कब टूटता है, तो जब इसका जो बैटरी का जो एम्पियर रहता है वो डाउन हुआ, तो शेल मतलब रिमोट में डालते इसको। अब तो मैं इसमें पावरफुल बैटरी लगाया, मैं इतनी पावरफुल कि आप सोच नहीं सकते हो कि इसको मस्त फ्रीक्वेंसी और रेंज मिलेगा। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा, एक लैपटॉप के बैटरी से आपको एक पैरेलल एक बैटरी बना लेना होगा। आपको भी इसके ऊपर डिटेल पे वीडियो चाहिए तो नीचे बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट से मालूम हो जाता है। आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो डाल दूँगा। तो इतने ही इसमें और एक प्रॉब्लम भी है, ये है गाइस इसका दूसरा प्रॉब्लम। अगर ये कभी भी मतलब गिरा करा तो ये बेंड हो जाता और ये भी बेंड हो जाता, ये भी, ये सब चलता गाइस, ये सब चलता है। अब तो ये ट्रॉटर प्रॉब्लम भी होता है गाइस कभी कभी अपन के ड्रोन में। सपोज बैटरी का एम्पियर डाउन है, एम्पियर डाउन होने से अपन जब ट्रॉटल देते हैं तो ट्रॉटल देने के बाद ड्रोन तो ऊपर जाता है, लेकिन ड्रोन ऊपर जाने के बाद लिफ्ट हाइट परफॉर्मेंस में आने के बाद वो अचानक से गिर जाता है। तो उसके लिए जो होता है, ये सिग्नल कट हो जाता है, इधर इधर से सिग्नल TX से RX को सिग्नल कट हो जाता, तो इस कारण ये ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो अब मालूम हो गया ना गाइस तो एक ट्रांसमीटर में कितने प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।